okay guys we are reading the chapter chapter name is preamble of the constitution of india we have read four question what do you mean by preamble what is the source of the power in india according to preamble which new words were the included in the preamble by the 42nd amendment of the constitution and what is the socialist nature of the india in this video we will read the question question is what is the secular nature of india answer is the word secularism was included in the preamble of the constitution through 42 42nd amendment once again 42nd amendment constitution amendment in india secularism means respect for all religion listen carefully in india secularism means respect for all religion religions whereas there is no state religion every individual is free to adopt practice and propagate any religion and the state doesn't make any arbitrary interference in the religion तो इंडिया का सेकुलर नेचर क्या है जिसे हम धर्म निरपेक्ष भी बोल देते हैं ठीक है धर्म निरपेक्ष के ये हमारे बाद में ये वर्ड ऐड किया गया फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जैसे पीछे सेकुलरिज्म वर्ड्स ऐड किया गया था ये भी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही किसमें प्रम्बल में ऐड किया जो संविधान का फर्स्ट पेज है तो इसका मतलब क्या दिया गया है रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन कि हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं इंडिया में हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं इट मींस हमारे इंडिया का कोई स्पेशली धर्म नहीं है जैसे अरब देशों का होता है ठीक है ना अरब कंट्रीज का होता है उनका मुस्लिम धर्म है तो सरकार का धर्म ही मुस्लिम होगा कोई और जो है रिलीजियस के लोग उसे जो सेलिब्रेट जैसे क्रिश्चियनिटी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते किसी और धर्म को जैसे नगर कीर्तन नहीं निकाल सकते अरब देश में ठीक है ना तो वो क्या करते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर और रिलीजन हमारे इंडिया में सभी धर्मों को की रिस्पेक्ट की जाती है हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है इट मीन्स हमारे देश के जो भी निवासी हैं नागरिक है किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं सपोज करो मैं हिंदू धर्म का हूँ चाहे क्रिश्चैनिटी का हूँ तो मैं हो सकता है हिंदू से मैं क्रिश्चैनिटी बन जाऊं क्रिस्चैनिटी से मैं सिख बन जाऊँ वो मेरी मर्जी है कि मुझे कौन से धर्म के थीसिस अच्छे लगते हैं उनकी प्रकटाइज कर सकता हूं उसके अकॉर्डिंग मैं पाठ पूजा कर सकता हूं प्रोपोगेट कर सकता हूं उनका प्रचार कर सकता हूं ये मेरा पर्सनली मैटर है इसमें जो गवर्नमेंट है वो कोई भी इंटरफियर नहीं करेगी ठीक है उसे कहते हैं सेकुलर नेचर ऑफ द इंडिया ये इंडिया में ही ये चीज पाई जाती है मैक्सिमम आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी थैंक्स बेटा